आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही ऑटो में सबसे ज़्यादा ये मिस्टेक होता है। अगर आप ये चीज़ नहीं जानकारी आपके पास नहीं है तो आपकी जो ऑटो है बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान देगी और बहुत ही ज़्यादा पैसा भी लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम आपको एक उपाय बताएंगे। देखिए, ये मेरे पास एक BS6 की ऑटो है जिसका गियर बॉक्स का जो चेंबर है पूरा फट गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये फटता कैसे है और इसे फटने से कैसे आप बचाएं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं चेंबर फटता कैसे है। तार वाला जो पल्ला होता है और ये दोनों फट चुका है। अब भाई ये है BS6 की गाड़ी। चलिए इस गाड़ी को अब खोलते हैं गियर, उसके बाद गियर उतारने के बाद आपको बताते हैं क्यों फटता है ऐसा। तो ये देख सकते हैं, हमने इस BS6 गाड़ी की गियर बक्सा खोल के निकाले हैं। ये देखिए चेंबर फटा हुआ है। तो अब इसको हम पूरा अच्छे से इसको उधेड़ते हैं, उसके बाद बताते हैं कि बैरिंग कैसे टूटा और क्यों टूटा। ये देख सकते हैं, ये जो बैरिंग है यहाँ जो 6302 जो बैरिंग लगता है यही टूट चुका है। और ये जब भी टूटता है, छर्रा अंदर जाता है टूटने के बाद, और चेंबर एकदम फट नहीं फटना है। और ये देखिए BS6 का ये जो गियर है, आप भी कभी भी BS6 गियर बॉक्स खोलिए और जब फिट करने टाइम आए, जब कभी कभी होता क्या है कि ये जो है हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और उल्टा फिट करते हैं। जब मैं भी पहली बार गियर बॉक्स BS6 का खोला था, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। तो आप लोग भी ये गलती ना करें और जब भी खोलें ये देख लीजिए, इस तरह से जब खोलना है तो इस तरह का ही, इसी तरह से फिट भी करना है जैसे खोलना है उस तरह। और आप मान लीजिए किसी के खोला हुआ है, आपको सिर्फ फिट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे फिट करिए। ये देखिए, ये जो प्लेन टाइप का है वो ऊपर की तरफ में रहेगा इस तरह से, और ये देखिए इस तरफ जो है गड्ढा टाइप का वो नीचे के तरफ में रहेगा। इसका जो पिनियन है दो उल्टा और तीन सीधा लगता है, जो पियागो BS3 BS4 में लगता है उस टाइप का। तो ये इस तरह का देखिए ऐसे लगेगा, जब भी लगेगा ऐसे लगेगा। और ये साइड जो है जो गड्ढा टाइप का है ये नीचे तरफ में रहेगा, बाकी जो है आप सीधा लगाएं जैसे BS3 में जो लगता है, BS3 BS4 में उस टाइप से ही लगाएं। ये देखिए होता क्या है, सबसे पहले कभी भी जब आप अंदाज करिएगा बैरिंग जो है, ये जो काउंटर की जो बैरिंग है हमेशा ये बैरिंग टूटता है। ये बैरिंग जब टूटने के बाद में
इधर तो धर नहीं, ये देख रहे हैं इस तरह से बैरिंग को खाता है। खाने के बाद में जब काउंटर ढक हो जाता है तो ये जो 6302 की जो ये बैरिंग है, ये बैरिंग तब इसे ये तोड़ना शुरू करता है। तो हम आपको बताते हैं बैरिंग टूटता कैसे है। तो बैरिंग टूटने का कारण ये है कि हम लोग जो ऑयल जो है, गियर ऑयल जो है, ऑयल में जैसे बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है, हम लोग ऑयल चेंज नहीं कराते हैं, तो इस तरह से जो हल्का हल्का जो बाबरी जो होता है, जो आप देख रहे हैं, ये जो बाबरी होता है बैरिंग में के जो छर्रे होते हैं उसमें जाके लगते हैं। तो लगने से होता क्या है, जब बैरिंग चलता है तो उसमें दाग बन जाता है, दाग बनने के बाद में वो चलते चलते टूटता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑयल जो है हमेशा चेंज करते रहना है, आप चेक करते रहिए ऑयल, अगर आपको लगे ख़राब है तो ऑयल तुरंत बदल दीजिए। ऑयल नहीं चेंज होने के कारण ही बैरिंग टूटता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।